चूना अखाड़े के साधु संत सन्यासी शाही स्नान के लिए निकल पड़े हैं। और ये जो काफिला है ये है पायलट बाबा का। पायलट बाबा देश दुनिया में मशहूर है अपने विदेशी भक्तों के लिए। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने देश विदेश से यहाँ पे उनके पास भक्त आए हुए हैं। पायलट बाबा ये बताइए कि आपके पास विदेशी भक्तों के बहुत विदेश से बहुत सारे भक्त आते हैं, ऐसी क्या खास बात है? खास बात यह है कि मैं अपने देश की संस्कृति और सबसे दुर्लभ प्रेम की शिक्षा देता हूँ कि हम सब मनुष्य हैं, मनुष्यता से प्रेम करें, हम सब एक हैं, अपने अंदर के बीच बंधुत्व को देखें और ये ना भूलें कि यही सत्य है, धर्म जो है यही सत्य है और सब हमारे लिए एक व्यवस्था है, व्यवस्थाओं में रह करके सत्य को समझने की कोशिश करें। शाही स्नान को क्या कहें, भारत के धार्मिक वैभव का प्रतीक कहें क्या? बहुत बड़ी संस्कृति की देन है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सभ्यता और राष्ट्रीय मानवता का एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक है कि हम विश्व को संदेश देते हैं कि हम भीतर में कैसे एक हैं। हमारा धर्म सभी से प्रेम करता है, हमारा धर्म किसी से नफरत नहीं करता, हम जातिवाद फिरते नहीं पड़ते। हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्लभ चीज है, हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति विश्व बंधुत्व का मानवता का संदेश लेकर के दुनिया को जगाए बेटा। भारत के धार्मिक वैभव के प्रतीक के तौर पर शाही स्नान को देखा जाता है और इसीलिए देखिए कि आप यहाँ पर कीर्तन करते हुए देश विदेश के भक्त हैं यहाँ पर धुनी रमा रहे हैं। यहाँ पर अगर देख सकते हैं, अगर एक भक्त हैं तो कैसे ये झुंझुने से कीर्तन कर रही हैं। ये माहौल है, एक अद्भुत दृश्य होता है शाही स्नान के दौरान तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ सभी धर्म सभी जाति का सबका भेद मिट जाता है और एक ही भेद रहता और कोई भेद नहीं रहता, सिर्फ एक ही चाहत होती है संगम में डुबकी लगाकर पुण्य का भागी बनने की। भारत के धार्मिक वैभव के एक झलक की जो गाथा है यह अपरंपार है।